Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अवध मालिक साहब इस वक्त मौजूद हैं और मैं चाह रही हूं कि मैं जरा उनका भी एक पॉइंट ऑफ जरूर शामिल कर लूं। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर अच्छा, इनके पर्सनल मालिक साहब से मैं सुन लें सुने हम मोहम्मद मालिक साहब से मैं बड़ा तफसीली सुनना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूं, आलू टमाटर और प्याज ये केले पक नहीं सकते, इनको पकाने के लिए दूसरी चीजें चाहिए जो बहुत महंगी है। अब मालिक साहब ठीक चले जाते हैं। अच्छा जी, बहरहाल वैसे भी कोई भी इंसेंटिव हो तो ये तो फिर हर किसी का इंडिविजुअल भी इंसेंटिव हो सकता है। हमारे भी पास एक स्टोर है, उसमें लिखा हुआ 10,000 की ग्रोसरी करें तो 4 किलो चीनी जो है वो फ्री मिल जाती है। एनीवेज, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है तजियाकार और उनसे मजीद बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं हुकूमत को इसके लिए। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए आज फिर से। मालिक साहब सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि नया साल शुरू हो रहा है, आपको भी बहुत हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को आप कहां खड़े देख रहे हैं? ये गवर्नमेंट पूरा करेगी अपना टेन्योर या फिर ये इलेक्शन ईयर साबित होगा? देखिए डिपेंड करता है 2-3 बड़े इश्यूज के ऊपर, महंगाई के इश्यू के ऊपर, क्या महंगाई के इश्यू पे काबू पाते हैं नहीं पाते हैं। दूसरी गेम्स तो चल रही है अपनी जगह, अभी तक मुझे कोई फौरी तौर पर जिसको कहते हैं वायबल ऑप्शन वो डील्स अपनी जगह अभी सीमेंट नहीं हुई, वो जो कोई फर्म अप होंगी तो बात होगी, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट देखना यह है कि अभी इमीडिएटली ये क्या बड़े इकोनॉमिक मेजर्स लेते हैं क्या लेते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का बुरा हाल हुआ हुआ है वो उसकी माशी पॉलिसीज की वजह से हुआ हुआ है और महंगाई की वजह से हुआ हुआ है। ये मिनी बजट अभी जब आ जाएगा इससे और मल्टीप्लाई होगा। सो इस वक्त बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, तो ये तो तेल पे जिसको कहते हैं ना आग पे तेल फेंकने वाली बात है, पहले इतना अलाव भड़क रहा है, अब देखना यह है कि मिनी बजट को किस तरह डील करते हैं फौरी तौर पे क्या मेजर। इकोनॉमी बेसिकली डिसाइड करेगी कि ये इलेक्शन ईयर होगा या नहीं, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? क्या इकोनॉमी ही डिसाइड करेगी बेसिकली कि ये गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर है? एट दी एंड ऑफ द डे तो प्रेशर तो इकोनॉमी का ही होता है ना। अगर आज आपके एलाइज भी आपके साथ दो बारी सोच रहे हैं, अगर आपके साथ जो आपका फौज का बहुत अच्छे ताल्लुकात है वो DGI वाला मसला छोड़ दें, तो सारी चीज एट दी एंड ऑफ द डे इकोनॉमी पे ही आती है, आपकी मेरी घर की जाती इकोनॉमी के ऊपर। आम आदमी देखता है कि मैं 4 साल पहले 3 साल पहले मेरी जिंदगी बेहतर थी कि आज बेहतर है, आज सबकी बदतर है। सो जब तक ये मसला फ्रंट पे रहेगा इसी पे ऑपोजिशन खेल रही है, इसी पे तमाम डिफरेंसेस हैं, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ही सारी बाकी फैसलों को पुश करती है। या अगर आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो तो ना आपको भाई फौज छेड़ सकती है, ना आपको ऑपोजिशन छेड़ सकती है, आपको कोई भी नहीं छेड़ सकता। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर तबाहकुन है जो इस वक्त है, तो फिर हर कोई आपके गले पड़ेगा, ऑपोजिशन भी पड़ेगी, आपके दोस्त भी दो बारी सोचेंगे, आपके पीछे अगर रियासती इदारे हैं उनको भी 10 दफा सोचना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे चीज हर चीज घूमती तो इकोनॉमी के गिरती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मालिक साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे आपके ख्याल से इस साल में? क्योंकि उनके कुछ रहनुमा तो उनकी पार्टी के बहुत होपफुल हैं कि वो शायद जनवरी में ही आ जाएंगे। देखिए एनालिसिस मेरा है कि नहीं आएंगे जब तक बहुत ही क्लियर कट चीज ना हो, और मैं अपने प्रोग्राम में बता भी चुका हूँ, मेरी बहुत उनके करीबी लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी ये जो एयाज सादिक साहब और दूसरे लोग बात कर रहे हैं हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक उनके फैमिली के जराये का ताल्लुक है उन्होंने बिल्कुल इससे अभी किसी किस्म का ना सीरियस डिस्कशन की है ना फैसला किया। और कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं, अपनी चॉइस से आएंगे या फिर कंपेल किए जा सकते हैं कि उन्हें वापस आना पड़े? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं गवर्नमेंट के जी लीगली उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा वहां पे स्टे करना। नहीं लीगली अभी जो प्रोसेस है देखिए उनका 3-step प्रोसेस है, उन्होंने अपील की हुई है, पहले मजिस्ट्रेट करेगा डील, फिर उसकी अगर उसके खिलाफ उनके फैसला आता है तो उनका हाईकोर्ट है, उसके बाद उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, 3 जगह पे उनकी अपील है, जो आराम से अपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है आपको? मार्च कर हो जाएगा मार्च में, जो 23 मार्च की इन्होंने डेट दी हुई है? नहीं मार्च फ्रेंकली मुझे नहीं समझ आ रहा कि मार्च इतना 3 माह की बात क्यों बार बार हो रही है। इश्यूज और है, देखिए असल चीज ये है कि ऑल्टरनेटिव क्या बनता है। ऑपोजिशन का ख्याल ये है कि अगर हम रियासती इदारों से निगोसिएट करें सब कुछ करें और वो न्यूट्रल हो जाए बकौल इनके जिसको ये न्यूट्रलिटी समझते हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार सकते हैं वजीर आजम, और अगर वजीर आजम हारते हैं तो एक दूसरी गवर्नमेंट जाहिर है बनेगी। वहां पे एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट ये है कि जो लोग
जो इन तमाम चीजों को जानते हैं समझते हैं जिनसे हम बातें करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि एक सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई भी रियासती इदारे या एस्टैब्लिशमेंट या दूसरे ये नहीं चाहते कि अगर इमरान खान गिरते हैं तो फिर साथ ही इलेक्शंस हो जाए 3 माह के अंदर, फिर नवाज शरीफ इनकी पार्टी एक्सपेक्टेड है कि पंजाब में बड़ी अच्छी की परफॉर्मेंस होगी, तो वो एकदम कहाँ एकदम एग्जाइल कहाँ एकदम और फिर ट्रक करके स्टेट अगर वो गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं तो इतनी भरपूर ताकत में आएंगे कि उनका भी दिमाग खराब हो जाएगा जिस तरह हर एक का इकतदार में होता है। तो वो इतना एक्सट्रीम का स्विंग कोई भी अफोर्ड नहीं करता, इदारे कम अज कम अफोर्ड नहीं करते। वहां पे सोच ये है कि चले इमरान खान साहब हटते भी हैं तो साल 1.5 साल जो रहता है वो जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट बने वो रखें, उसमें आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें बाकी चीजें कर लें, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने की बात अटकती है और वहीं पे फंसी भी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक जी इमरान साहब। अच्छा मालिक साहब, आपने अभी ये कहा कि डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो महंगाई होगी और इस तरह की मुआशी सूरत हाल होगी। अब आप माशाल्लाह खुद ये इकोनॉमी को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, जो इंटरनेशनल इस वक्त इदारे हैं जो या जो मुल्क हैं, इवन देखें सऊदीया ने आपको किन शराइत पर कर्जा दिया है और IMF की तरफ से किस तरह से दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई आसानियां पैदा हो सकेंगी या मुआशी जो मुश्किलात हैं बढ़ेंगी, क्या इनके पास कोई एक्शन प्लान है? नहीं, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मालिक साहब का तज्जिया आपने सुना और उनको यही लगता है कि इकोनॉमी ही बेसिकली वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि इस गवर्नमेंट का आखिर फ्यूचर होगा क्या। लेकिन इमरान साहब, मैं आपसे भी ये जरूर सवाल करना चाहूंगी जो मैंने मालिक साहब से भी किया, अपोजिशन को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? मार्च होगा मार्च में और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मैं ज़ाती तौर पे मालिक साहब की इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि शरीफ फैमिली के जो करीबी ज़राए हैं उनके जो फैमिली के मेम्बरान हैं उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अभी फौरी नहीं आ रहे हैं, वो उस वक्त आएंगे जब सूरत हाल बिल्कुल क्लियर होगी, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि वो उन्हें नज़र आ जाए। दूसरी बात, एक जो है तबका मुस्लिम नून में से कुछ जो उनके रहनुमा हैं वो ये सोचते हैं, जो उन्होंने इसहाक डार साहब के ज़रिए से मियां साहब तक ये पैगाम भी पहुंचाया है कि आप ऐसा करें कि अगर मार्च में मार्च होता है, लॉन्ग मार्च होता है, तो मियां साहब उस वक्त आ जाएं और लॉन्ग मार्च के मौके पर जब वो आएंगे तो अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो लॉन्ग मार्च को भी सपोर्ट मिलेगी और इस एहतजाज के तौर से मियां नवाज शरीफ को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन मुझे इसमें भी डाउट लगता है, मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए भी आए बगैर किसी ठोस वजह के। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल सेटलमेंट नहीं हो जाती, मामला पूरी तरह से तय नहीं होते उस वक्त तक मुझे मुश्किल लगता है।